नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूं। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। मंगलवार को जब कप्तान कोहली पहला मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरेंगे तो वो सचिन तेंदुलकर और रिकी पोंडिंग के बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं। बता दें, विराट कोहली ने एक साल 122 दिन से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक भी शतक नहीं लगाया है। उन्होंने आखिरी शतक बांग्लादेश के खिलाफ 23 नवंबर 2019 में डे नाइट टेस्ट के दौरान लगाया था। बता दें, इंग्लैंड के खिलाफ आज पुणे में शुरू हो रहे तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज कप्तान रिकी पोंटिंग के इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक की बराबरी कर सकते हैं। रिकी पोंटिंग टेस्ट क्रिकेट में 41 शतक जबकि वनडे में 30 शतक लगा चुके हैं। इस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके कुल 71 शतक हैं। वहीं विराट कोहली अगर इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में शतक जड़ते हैं तो उनके भी 71 इंटरनेशनल सैकड़ा हो जाएगा। मौजूदा समय में विराट ने वनडे में अब तक कुल 43 शतक लगाए हैं जबकि टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम कुल 27 शतक दर्ज है। वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे अधिक शतकों के मामले में भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का नाम है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 51 और वनडे में 49 शतक के साथ कुल 100 शतक लगा चुके हैं। इसके अलावा विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के भी एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते हैं। मौजूदा समय में घरेलू सरजमी पर वनडे में सबसे अधिक शतक लगाने के मामले में कोहली दूसरे स्थान पर हैं। इस मामले में सचिन तेंदुलकर 20 शतकों के साथ पहले स्थान पर हैं जबकि विराट कोहली वनडे फॉर्मेट में खेलते हुए भारत के लिए कुल 19 शतक लगा चुके हैं। ऐसे में विराट अगर इंग्लैंड के खिलाफ शतकीय पारी खेलते हैं तो वो इन दो बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। आपको बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में खेले गए 5 टी20 मैचों की सीरीज में विराट कोहली शानदार फॉर्म में नजर आए थे। विराट ने 5 मैचों में कुल 231 रन बनाए जिसमें 3 अर्धशतक भी शामिल है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पन इंडिया।